Good morning, students. Today we are going to start our democratic politics. Democratic politics, and the first chapter is what is democracy and why democracy. What is democracy and why democracy? Let us now draw general lesson from those stories and ask the more basic question. What is democracy and what are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. You can say, what is democracy and what are the features of democracy? यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हम इनके इनकी मीनिंग्स को जानेंगे एंड और हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कब कहलाती है, किसी भी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कब कहते हैं देन। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस करना जान जाएंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आफ्टर थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government, and towards the end of this chapter we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. और इस चैप्टर के एंड तक हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव जान जाएंगे और हम ब्रॉडर सेंस में एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की मीनिंग को जान जाएंगे तब तक हम कोशिश जान जाएंगे एंड और डेमोक्रेटिक ही पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है या यू कैन से सबसे लोकप्रिय है। डेमोक्रेटिक पूरे वर्ल्ड में टुडे यू कैन से द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज बट वाई इट इज सो ये क्यों एक्सपैंड कर रहा है, क्या है एंड वॉट मेक्स इट बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इस डेमोक्रेसी को अदर व्हाट मेक्स इट बेटर, डेमोक्रेसी को कौन बेटर बनाता है और दैट इज दिस इज द बेटर और व्हाट मेक्स इट बेटर देन मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के सबसे बेस्ट फॉर्म डेमोक्रेसी को क्यों कहा जाता है एंड दिस इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। हम इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे लेट स्टार्ट आवर चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी। हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? इन दिस चैप्टर वन वी रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम इस चैप्टर में डिफरेंट स्टोरीज को रीड करेंगे जो कि हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लिया है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से यू हैव टेकन। In this chapter, one, we read many stories from different parts of the world, and second, through these stories, we discuss various governments and organizations.
इन स्टोरीज को पढ़कर हम वेरियस गवर्नमेंट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे एंड वी कॉल सम ऑफ दीज डेमोक्रेसी और वी कॉल सम ऑफ दीज डेमोक्रेसी दैट इज अदर वर्ड डिस्क्राइब. हम इनमें से कुछ को जानेंगे कि डैट हम उनको डेमोक्रेसी कहते हैं और कुछ गवर्नमेंट को हम डैट नॉन डेमोक्रेसी कहते हैं. नॉन डेमोक्रेसी हम कहते हैं एंड दैट इज कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसी. क्या आप रिकॉल कर सकते हैं फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज के बारे में समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट. वहाँ कौन सी गवर्नमेंट है समथिंग दैट वर डिस्क्राइब कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट देयर वाज अ डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी. एंड फर्स्ट चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेट रूल. चाइल्ड की स्टोरी आपने पढ़ी है बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेट रूल. एंड सेकेंड हम जो स्टोरी रीड करने वाले हैं सेकेंड पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल. पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल. एंड थर्ड घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमस गवर्नमेंट इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमस गवर्नमेंट. व्हाई डू यू थिंक इज कॉमन टू देम. इन सब में क्या चीज़ कॉमन थी जो आपने पीछे इन स्टोरीज में वी हैव नॉट रेड मतलब ये कोर्स में नहीं है दैट इज एंड व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. हमने इन सबको एक डेमोक्रेसी के अंदर में ही क्यों रखा और व्हाट इज इट दैट इन सब में कॉमन क्या है कि चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेट रूल, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमस गवर्नमेंट एंड Why do we club them all under the label of democracy? हम सबको club क्यों करते हैं इस label of democracy में and what is it that distinguishes these government from Pinochet rules in Chile? और democracy कैसे Chile के Poland से और Ghana से बिल्कुल different कैसे है and what do these government have in common with the military rule in the Myanmar? मतलब इन गवर्नमेंट्स में क्या एक कॉमन चीज़ थी जो कि मिलिट्री रूल्स में कॉमन लिया जा रहा था रूल. एंड व्हाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक और हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर मेन चैप्टर व्हाई डिफाइन मीन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ मतलब इन बेसिस पे जो हमने अभी डिस्क्राइब किया दैट राइट डाउन द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आपने घाना पोलैंड चाइल्ड का जो देखा उसमें क्या डेमोक्रेटिक कौन सा था और कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक था. व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. डिफाइन की जरूरत मतलब डेमोक्रेसी को डिफाइन की जरूरत क्यों है. व्हाई बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैन. मतलब आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन. मैरी ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया आगे बढ़ने से पहले लेट अस टेक मैरी के कुछ ऑब्जेक्शन लेते हैं कि मैरी क्या बोलना चाह रही है. दैट मैरी ने क्या कहा. पहला ऑब्जेक्शन मैरी का था शी डज नॉट लाइक दिस वे और डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. उसे ये जो डेमोक्रेसी हमने कहा चाइल्ड बिफोर द आफ्टर पिनोशेट रूल पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमस गवर्नमेंट जो हमने अभी ये बातें की उसे शी डज नॉट लाइक दिस वे और डिफाइनिंग ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी. उसे ये पसंद नहीं आया कि हम इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. वो चाहती थी मतलब
वो पूछना चाहती थी कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पूछना चाहती थी। एंड उसने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पूछा। डैड हर टीचर, जो उसकी टीचर थी, उनकी जो टीचर थी मैटिल्डा लिंगडो, उनकी टीचर का क्या नाम था? मैटिल्डा लिंगडो। रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, उन्होंने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, जो अदर क्लासमेट थे उन्होंने डिस्कशन को ज्वाइन कर लिया, दैट इज मैरी। मैरी ने क्या कहा? मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैम हमें यह आइडिया, मुझे ये तरीका, ये मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमने पहले चैप्टर्स में, जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, और पहले जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा तो हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरीज के बारे में पढ़ा। अब हम वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, अब हम डेमोक्रेसी की मीनिंग को जानना चाह रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनके बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी का क्या था, बट अब हम उसकी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं वहां पर। देन आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड। आई मीन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, हमें पहले उनकी डेफिनेशन ही ढूंढनी थी। हम स्टोरी क्यों पढ़ रहे थे? हम पूरे वर्ल्ड की स्टोरी को क्यों पढ़ रहे थे? क्या ऐसा ठीक नहीं होता कि हम उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन देखते? दैट उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा, आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड, मीन्स कि लॉजिकली क्या ये ठीक था कि हमने इतनी स्टोरीज पढ़ी, इतनी चीज़ें समझी, और अब मीन कि शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड द एग्जाम्पल, कि हमने पहले एग्जाम्पल ही क्यों पढ़ा, क्या हम पहले उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते थे? पहले हमें उसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहिए था, बाद में हम इतने एग्जाम्पल्स पढ़ते। ये किसने कहा? मैरी ने कहा। एंड लिंगडो मैडम ने फिर क्या कहा? लिंगडो मैडम ने आंसर क्या दिया? आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ रही हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरी लाइफ। लेकिन पर क्या हम अपने लाइफ में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम अपनी लाइफ में पहले एग्जाम्पल को नहीं पढ़ते? क्या वी यूज वर्ड्स लाइक लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हम कुछ वर्ड्स लाइक पेन रेन और लव, वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। क्या तुम्हें लगता है जब तुम इन तीन वर्ड्स का यूज़ करती हो, पेन का यूज़ करती हो, रेन का यूज़ करती हो और प्यार वर्ड का जब यूज़ करती हो, तो क्या तुम वेट करती हो इनकी डेफिनेशन की? क्या तुम पहले इनकी डेफिनेशन जानना चाहती हो? क्या इनकी इन वर्ड्स की क्या तुम डेफिनेशन जानना चाहती हो, या तुम इन वर्ड्स को डायरेक्ट यूज कर लेती हो? एंड कम टू थिंक ऑफ इट, तुम थोड़ा ज़रा सोचो, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमारे पास इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है? या इट इज ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, मीन कि हम इस वर्ड का यूज कर लेते हैं और जहाँ पे, जिस सेंटेंस में हम इसका वर्ड का यूज करते हैं, वहीं से इसकी मीनिंग
क्लियर हो जाती है। वहीं से इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। मैरी, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, देन व्हाई डू वी नीड। तो मैरी ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो हमें डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम डेफिनेशन की जरूरत हमें क्यों होती है। लिंडो मैडम ने क्या कहा, लिंडो मैडम ने कहा वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। हाँ, मैं मुझे वी नीड अ डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन की जरूरत तब पड़ती है ओनली व्हेन वी क्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड, जब हम हमें डिफ़िकल्टी होती है उस वर्ड को यूज़ करने में किसी सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन की हमें ज़रूरत होती है। देन अब लिंडो मैडम ने एक और चीज़ कही, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल आ और क्लाउड बर्स्ट। हमें रेन की डेफिनेशन की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम उसे किसी से कंपेयर करेंगे या हम कुछ डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब उसे किसी से हम कंपेयर करेंगे, और लाइक हम उसे किससे कंपेयर करेंगे, ड्रिजल से और हम उसे किस पे कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स कि लाइक क्लाउड बर्स्ट से, जब हम इससे कंपेयर करेंगे बूंदाबांदी से, क्लाउड बर्स्ट से, तब हमें रेन की भी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यही द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए भी यही होता है, वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली, वह हमें एक क्लियर डेफिनेशन ही चाहिए ओनली, बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस। पीपल, हमें एक क्लियर डेफिनेशन चाहिए ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। पीपल इस वर्ड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए जब पीपल यूज़ करते हैं तभी उन्हें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी उन्हें डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जब पीपल को उस वर्ड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना पड़ता है तब उन्हें उस डेफिनेशन को, उस क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व डेमोक्रेसी, इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्या कहती है अपने आप को, कॉल्स देम, वो अपने आप को क्या कहती है, डेमोक्रेसी, वो अपने आप को क्या बोलती है, डेमोक्रेसी। एंड सेकेंड, तब तक रिबियांग ने क्या कहा, रिबियांग ने कहा बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हमें क्या ज़रूरत है कि हम डेफिनेशन पे वर्क करें, या हमें क्या ज़रूरत है इसकी डेफिनेशन को जानने की। द अदर डे यू quoted Abraham Lincoln to us, आपने पहले अब्राहम लिंकन के बारे में हमें बताया था, एक दिन आपने अब्राहम लिंकन का एक सेंटेंस हमें बताया था, एक कोट हमें बताया था, दैट इज डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वो गवर्नमेंट है पीपल की, एंड वो क्या है, वो गवर्नमेंट है पीपल की, and by the people and democracy is government of the people by the people and for the people, democracy government hai people ki, jo means log use chalate hain aur log hi us pe raj karte hain, means ki by the people or for the people, hum logo ke liye hi banate hain, बाय द पीपल, हम लोगों के लिए ही उसको बनाते हैं, एंड
लोगों के लिए बनाते हैं और लोग ही उस पर उसको चलाते हैं, और लोगों द्वारा ही लोग ही उस पर शासन चलाते हैं, और लोगों के लिए ही हम उसको बनाते हैं। एंड वी इन मेघालय ऑलवेज रूल आवरसेल्फ, और हम लोग मेघालय में रहते हैं तो हम मेघालय में क्या करते हैं, हम अपने आप पर ही राज करते हैं। मेघालय में हम अपने आप पर ही राज्य करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। देन व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो हमें इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है, हमें इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है। देन लिंगडो मैडम ने क्या कहा, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे इसको इसे चेंज करने की ज़रूरत है, बट आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, मुझे खुद ये डेफिनेशन बहुत ब्यूटिफुल लगती है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ, लेकिन बट वी डोंट नो, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या ये बेस्ट वे है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन की, क्या ये बेस्ट वे है डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने की, जब तक हम इसको आर सेल्फ सोच ना लें तब तक हम इसको नहीं कह सकते। दैट वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग, हमें कभी भी ऐसे ही कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि किसी उसे किसी राजा ने कहा था या उसे किसी फेमस पर्सन ने कहा है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्टेड। क्या अगर कोई किसी राजा ने कहा है, किसी फेमस पर्सन ने कहा है, तो बिना सोचे समझे कभी भी उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट मत करो, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें हमेशा एक बार उसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, हमें हमेशा उसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। देन योलांडा ने क्या कहा, योलांडा ने एक चीज़ है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी डेफिनेशन देखने की। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, मतलब मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, मुझे आई डोंट नीड टू लुक फॉर एनी, हमें किसी की डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं से पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जो डेमोक्रेसी है कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से बना, डैट इज डेमोक्रेटी। एंड इन ग्रीक में डेमोस का मतलब क्या होता है, मीन पीपल, ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया एंड डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमोक्रेशिया, और डेमोक्रेशिया में डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन करना, मीन्स की राज्य करना, मीन्स रूल करना। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, मीन्स तब तो जब मीन्स हमें समझ में आ गया कि डेमोक्रेशिया में डेमो का मीनिंग होता है पीपल और क्रेशिया का मीनिंग होता है रूल, तो सिंपल, सो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया, रूल बाय द पीपल। एंड दिस इज द डायरेक्ट मीनिंग, ये डायरेक्ट मीनिंग निकल गई, तो हमें डिबेट, वेयर इज द नीड टू डिबेट, तो हमें डिबेट की नीड क्यों है, तो वेयर इज द नीड ऑफ डिबेट, डिबेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देन डिबेट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, एंड आफ्टर दैट लिंडो मैडम कहती है दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये भी लिंडो मैडम ने कहा कि इस क्वेश्चन पर सोचने का, मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है जो तुमने सोचा, बहुत हेल्पफुल है कि तुमने इस मैटर को इस तरीके से सोचा। एंड आई वुड जस्ट से दैट
दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह हमेशा ही हमेशा काम नहीं करेगा, ये हमेशा काम नहीं करेगा। देन आई वुड जस्ट एंड अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, द वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, मीन्स कि जो वर्ड है, जो वर्ड आपने डेमोक्रेशिया बताया कि वो हमेशा हमेशा टाइड हमेशा हम उसके ओरिजिन से इस वर्ड को रिलेट नहीं कर सकते हैं, हमेशा उसके ओरिजिन से हम इस वर्ड को रिलेट नहीं कर सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, जस्ट थिंक आप सिर्फ कंप्यूटर, जस्ट थिंक एक कंप्यूटर्स के बारे में सोचिए। ओरिजिनली देवर यूज फॉर कंप्यूटिंग, आपको पता है कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के लिए कंप्यूटिंग का कंप्यूटर में हम कंप्यूटिंग यूज करते हैं, दैट इज हम कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, कंप्यूटिंग के लिए, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग के लिए, वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। दीज वर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, मतलब कैलकुलेटर, जो कंप्यूटर है हम कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं और ये बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स हैं। बट नाउ अ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बहुत ही कम पीपल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, उनके मतलब बहुत कम पीपल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को कैलकुलेशन के लिए। दे यूज इट फॉर राइटिंग, वो कंप्यूटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए और फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक के लिए भी, म्यूजिक सुनने के लिए भी, एंड फॉर वॉचिंग फिल्म और वॉचिंग मूवी के लिए, फिल्म देखने के लिए भी वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। दैट दीज वर वेरी पावरफुल, बट नाउडेज पीपल कंप्यूटर का यूज़ क्या क्यों कर रहे हैं, राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज, फॉर प्लेइंग गेम्स, एंड वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, वर्ड्स तो रिमेन रहेंगे सेम लेकिन मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पहले हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते थे, कैलकुलेटर के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, और आफ्टर दैट हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करने लग गए, लिसनिंग म्यूजिक के लिए, वॉचिंग फिल्म्स के लिए, राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए। तो वर्ल्ड रिमेन द मतलब दुनिया सेम रहती है बट उनकी मीनिंग जो वर्ड सॉरी वर्ड वर्ल्ड रिमेन द सेम बट उनकी मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एंड इन दैट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है एंड इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल, इन दैट केस ये यूजफुल नहीं है टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड, ये यूजफुल नहीं है कि हम हमेशा इसको कनेक्ट कर पाए इसके वर्ड से। एंड फिर मैरी ने क्या कहा, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्फ, मैम बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के लिए, इस डेमोक्रेसी को जानने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, हमें वी हैव टू थिंक अबाउट हमें इसकी मीनिंग जाननी है एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, फर्स्ट हमें इसकी मीनिंग भी जाननी है और इसकी डेफिनेशन को भी जानना है। एंड देन लिंक दो मैडम ने कहा, क्या कहा, यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे सही समझा, लेट अस गेट ऑन विद इट ऑन, लेट अस हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए आओ अब हम यह काम मतलब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जान, चलो यह काम कर ही देते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। देन अ सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की,
let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracy. Let us get back to our discussion. हम अपने डिस्कशन में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, और जब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं तो दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज भी होती है और क्या होता है, सिमिलैरिटीज भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। In the previous chapter, we identify one simple factor common to all democracy. हमने previous chapter में हमने previous chapter को लेफ्ट करिए, दैट इज आपके कोर्स में नहीं है, व्हाट इज द ओल्ड बुक के कारण वो बार का प्रीवियस चैप्टर इज इंक्लूडेड हियर, ठीक है। दैट ऑल डेमोक्रेसी मीन्स सिंपल फैक्ट कॉम ऑल द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। यू कैन से कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर जो भी था वो लेफ्ट है, वी कुड थस स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन। हम एक सिंपल डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। मीन्स यू कैन से कि हमारे पास, मतलब पीपल के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने वोट को कास्ट कर पाए। पीपल के पास अपना राइट्स होने चाहिए कि वो अपने वोट को कास्ट कर पाए और अपने गवर्नमेंट को वो खुद चुने, वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चुने। मीन्स द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल होना चाहिए, एक सिंपल फैक्टर। मतलब हमने एक सिंपल फैक्टर, अगर हम कॉमन डेफिनेशन की तरफ जाएं, सारे मतलब कॉमन डेमोक्रेसीज को देखें और कॉमन डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो चूजन बाय द पीपल है। गवर्नमेंट को कौन चूज करती है? पीपल चूज करती है। एंड वी कुड थस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। हम सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? एक सिंपल डेफिनेशन से। दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमें फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन कौन सी मिली? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, एंड इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन विच रूलर्स को कौन इलेक्टेड करते हैं? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हमें मिली, ऐसी डेफिनेशन मिली कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, पीपल वहाँ पे उन्हें इलेक्ट करते हैं या उन्हें चुनते हैं। एंड दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग, दिस इज अ ये एक यूजफुल स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट, ये जो डेफिनेशन है हमें अलाउ करती है, मीन टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। मीन कि जो डेफिनेशन हमें अलाउ करती है डेमोक्रेसी को अलग करने में, डेमोक्रेसी को अलग करने में, मीन्स कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक को, ये डेफिनेशन हमें दोनों में कंपैरिजन करने में हेल्पफुल है। एंड द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन वो इलेक्ट नहीं होते थे पीपल के द्वारा, लेकिन उन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते थे। म्यांमार में जितने भी मिलिट्री थी,
आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार में, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब उन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते थे. एंड दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. मीन्स कि अगर आप कहें तो म्यांमार में, मतलब जो आर्मी थे वो लोग अपना, मतलब खुद इलेक्ट नहीं करते थे, लोग रूलर्स को इलेक्ट नहीं करते थे, उन्हें नहीं चुनते थे. बाय द पीपल, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. एंड जो आर्मी एंड दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. और जिन भी लोगों का आर्मी पर कंट्रोल होता था, वो यहाँ के क्या होते थे, यहाँ के रूलर बन जाते थे. जिन भी लोगों का आर्मी पे कंट्रोल होता था वो यहाँ के रूलर बन जाते थे. एंड पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, और पीपल इस डिसीजन में कुछ नहीं कह पाती थी, और पीपल इस डिसीजन में कुछ भी नहीं कह पाती थी. देन डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, पीपल इस डिसीजन में कुछ भी नहीं कह पाती थी. एंड और आप डिक्टेटर्स की बात करें, दैट जो डिक्टेटर्स थे, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. पिनोशे कभी भी इलेक्ट नहीं हुए पीपल के द्वारा. और डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप मतलब होता है कि आप तानाशाह हो, मींस कि सिर्फ एक ही पर्सन का राज चलता है. एंड दिस आल्सो अप्लाइज, हम डिक्टेटर्स को क्या कहते हैं, मोनार्कीज भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ राजा का ही हक होता है. अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आपने नेपाल की भी स्टोरी पढ़ी होगी. देन दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की, हम इसको मतलब मोनार्कीज में भी अप्लाई करते हैं, मतलब मोनार्की में भी यही डिक्टेटरशिप ही होता है. और द किंग्स ऑफ नेपाल एंड द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली. जो द किंग्स ऑफ नेपाल और जो सऊदी अरेबिया के किंग्स थे, रूल करते थे, आर नॉट बिकॉज द पीपल, वो रूल इसलिए नहीं करते थे कि पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसा नहीं था. दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो नेपाल के राजा थे और जो सऊदी अरेबिया के राजा थे, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. वहाँ मोनार्की सिस्टम था, डिक्टेटरशिप था. एंड दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, हैव चूजन दिस, और वो इसलिए राजा बने बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली, क्योंकि वो उनका जन्म किस में हुआ था, रॉयल फैमिली में हुआ था. तो इसीलिए उनका क्या हुआ, तो इसीलिए वो राजा बने. वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ पे कौन सा सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था. एंड दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, लेकिन ये सिंपल सी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने के लिए. देन आफ्टर इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ये हमें रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी में पीपल का रूल होता है. डेमोक्रेसी में किसका हक होता है, पीपल का हक होता है. बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे अनथिंकिंग मैनर में, बिना सोचे समझे अगर हम इस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy.
मतलब अगर हम बिना सोचे इस डेफिनेशन को समझेंगे, यूज़ करेंगे, तो जितनी भी गवर्नमेंट है, जिन भी गवर्नमेंट को मतलब जितनी भी वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड, मतलब हम सारी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहने लगेंगे। सारी गवर्नमेंट को हम क्या कहने लगेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि गलत है। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम सारी गवर्नमेंट को कहने लगेंगे कि हर जगह डेमोक्रेसी है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। यह हमें मतलब उस मिसलीड किया जा रहा है। एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर, मतलब हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, दैट एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। मीन्स कि हम चैप्टर 4 में इसे समझेंगे कि इसे जानेंगे कि चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। एवरी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आती है, वो सब चाहती है कि वो एक डेमोक्रेसी हो, मतलब वहाँ एक डेमोक्रेसी हो, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी हो ना हो, लेकिन वो अपने आप को क्या कहलाना चाहती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पे वो अगर मीन्स कि आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है, वो सब अपने आप को क्या कहलाना चाहती है? कि डेमोक्रेटिक। वो डेमोक्रेसी हो या ना हो, लेकिन वो अपना टाइटल क्या देना चाहते हैं? बोलो कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं या हमें डेमोक्रेसी है। Even if it is not so, अगर ऐसा मतलब वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है, तब भी वो अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? कि हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक हैं। एंड दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट, और दैट इज वाई वी नीड केयरफुली हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। मीन्स कि हमें अब डिस्टिंग्विश करना होगा कि जो अपने आप को डेमोक्रेसी दैट इज वाई तभी हमें ज़रूरत पड़ी, केयरफुली हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा बिटवीन अ गवर्नमेंट, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा कि किस गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है और कौन सी गवर्नमेंट अपने आप को कह रही है कि हम में भी डेमोक्रेसी है। अगर उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, तब भी वो डेमोक्रेसी अपने आप को कह रही है, तो हमें इसमें डिफरेंस निकालना आना चाहिए कि उसमें वो डेमोक्रेसी है या नहीं है। वो गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रही है, तो क्या वाकई वो वहाँ पर डेमोक्रेसी है? Then, after, that is why we need to carefully distinguish. हमें carefully distinguish करना आना चाहिए. We can do so by understanding each word in definition carefully. हम का मतलब ये चीज़ कर सकते हैं अगर हम इस definition के एक एक word को समझें and spelling out the features of a democratic government, और हम इसके एक एक वर्ड को बहुत ध्यान अंडरस्टैंड करें, केयरफुली समझें, और हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को भी जानें देन ये किसने कहा? रिबियांग ने कहा। रिबियांग वेंट बैक होम। रिबियांग स्कूल से घर आ गई एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशन ऑन डेमोक्रेसी। उसने कुछ फेमस कोटेशंस को इकट्ठा किया ऑन डेमोक्रेसी। दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम। उसने डेमोक्रेसी के कोट्स को तो इकट्ठा कर लिया और दिस टाइम उसने मेंशन नहीं किया उनके नाम को कि किसने कहा था, किसने लिखा। शी वॉन्ट यू टू रीड दिस। वो चाहती है कि तुम इसको रीड करो और कमेंट करो। हाउ गुड और यूजफुल दीज थॉट। ये कितने गुड हैं और कितने यूजफुल थॉट्स हैं।
तो पहले उसने क्या कहा, डेमोक्रेसी गिव एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर, मीन्स कि डेमोक्रेसी हर व्यक्ति को अपना ऑपरेसर बनने का अधिकार देती है, मतलब हर व्यक्ति को अपना ऑपरेसर मतलब होता है किसी को दबाना, शोषक करना, मतलब किसी को प्रेस करना, डाउन करना, डोमिनेट करना। तो डेमोक्रेसी हर पीपल को राइट देती है कि वो अपने आप को डोमिनेट कर सकता है, ऑपरेसर कर सकता है। और डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है कि अगर डिक्टेटर्स का चुनाव वोटिंग होती है, डिक्टेटर्स का इलेक्शन करना, मतलब डेमोक्रेसी में कि जो डिक्टेटर्स का वोटिंग होता है, डिक्टेटर्स की जो वोटिंग होती है उनके डिक्टेटर्स की जो वोटिंग होती है, व्हाट डू यू थिंक इट वांट टू हियर, मतलब डिक्टेटर्स क्या चाहते हैं आपसे, डिक्टेटर्स क्या चाहते हैं, डिक्टेटर सिर्फ अपनी जो वो सुनना चाहते हैं, दैट इज़ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करा रहे हैं वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और डिक्टेटर्स हमसे यही चाहते हैं। एंड केयरफुल एंड मेंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, और जो मेंस की कैपेसिटी है जस्टिस की, वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है। बट मेंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी, अगर हम यू कैन से कि किसी भी मैन को डेमोक्रेसी एक कैपेसिटी, अगर डेमोक्रेसी है तो किसी भी मैन को जस्टिस मिल जाएगा, किसी भी मैन को जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जस्टिस इनजस्टिस ऑलवेज होगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ जस्टिस नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, इनजस्टिस होगा। एंड डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व, और जो डेमोक्रेसी एक डिवाइस है जो दैट इंश्योर करती है, डेमोक्रेसी एक डिवाइस है जो इंश्योर करती है कि वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी हमें एक ऐसा तरीका बताती है जो हमें बताती है कि ये जो गवर्नमेंट है वो एक मतलब डिजर्व गवर्नमेंट है, और हम पर और सरकार ही हम पर शासन, मीन्स कि गवर्नमेंट ही हम पर गवर्न करे, गवर्नमेंट ही हम पर गवर्न करे। डेमोक्रेसी एक डिवाइस है जो इंश्योर करती है हमें कि गवर्नमेंट हम पर गवर्न करेगी, और नो बेटर देन वी डिजर्व, और इससे बेटर कुछ भी हम डिजर्व नहीं करते हैं, इससे बेटर हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर बाय मोर डेमोक्रेसी, और जितनी भी डेमोक्रेसी के इल्स हैं, जितने भी डेमोक्रेसी की बुराइयां हैं, वो सब किससे जा सकती है, वो डेमोक्रेसी से ही उन बुराइयों को हटाया जा सकता है, वो डेमोक्रेसी से ही उन बुराइयों को हटाया जा सकता है। एंड मीन्स कि हम डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी की बुराइयां हैं उनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उनको हम क्योर डेमोक्रेसी, मोर डेमोक्रेसी ला कर ही उनको हम क्योर कर सकते हैं, मोर डेमोक्रेसी ला कर ही हम उनको क्योर कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कार्टून दैट दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन इराक, ये कार्टून ड्रॉ किया था जब इलेक्शन हो रहा था इराक में, विद द प्रेजेंस ऑफ US, मतलब वहाँ पे इराक पे किसका राज था, डैट इज US एंड अदर फॉरेन पावर, और भी अदर फॉरेन पावर्स का वहाँ पे राज है। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग, आप क्या सोचते हो कि ये कार्टून क्या कह रहा है, व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटर्न द वे इट इज, व्हाई इज डेमोक्रेसी इज रिटर्न द वे इट इज, मीन्स कि डेमोक्रेसी इस तरह से क्यों लिखा गया है, डेमोक्रेसी को हमने इस तरह से क्यों लिखा है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन
अभी हमने क्या रीड किया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी मीन्स कि व्हाट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन एक सिंपल डेफिनेशन देखी दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था एंड सिंपल डेफिनेशन से हमने इसको स्टार्ट किया दैट इज democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people in which the rulers are elected by the people and this raises many questions lekin isme bahut sare questions arises ho jate hain then my first question kya arise hua who are the rulers in this definition is definition mein rulers kaun hai is which the rulers are elected rulers kaun hai is definition Which official must be elected for any government to be called a democracy? Or which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? और हमने इसमें पूछा कि इसमें rulers कौन हैं और किसी भी कोई भी जो government है उन्हें हम democracy तब कहे जाएंगे कि means कि किसी भी government को किसी भी गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेसी कब कहेंगे मतलब किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहे जाने के लिए उनके किन ऑफिसर्स को चुनना मतलब उनके किन ऑफिसर्स को आप चुनेंगे कि आप उनको डेमोक्रेसी कहेंगे आप उनके किन ऑफिसर्स को उस गवर्नमेंट में किन ऑफिसर्स को आप चुनेंगे कि आप उन्हें एक डेमोक्रेसी कह पाए ठीक है फर्स्ट क्या है हु आर द रूलर्स कौन है इस डेफिनेशन में सेकंड आप उनके कौन से ऑफिसर्स को सेलेक्ट करेंगे कि आप उनको डेमोक्रेसी कह पाए एंड द थर्ड वे डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी एंड द थर्ड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में आप वो कौन से फैसलों को लेंगे जो बिना सेलेक्ट हुए ऑफिसर्स भी ले सकते हैं आप डेमोक्रेसी में वो कौन से डिसीजंस को लेंगे जो ऑफिसर्स नहीं हैं मतलब वो भी इसको जो ऑफिसर्स नहीं हैं हम जो ऑफिसर्स नहीं हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं बिना ऑफिसर्स के हेल्प के भी हम वो डिसीजन ले सकते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन था हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन रूलर्स कौन है सेकंड क्वेश्चन था विच कौन से ऑफिसर्स को हम इलेक्ट करेंगे फॉर एनी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट में कौन से ऑफिसर्स को हम इलेक्ट करेंगे कि हम उन्हें डेमोक्रेसी कह पाए और थर्ड क्वेश्चन था हम ऐसे कौन से डिसीजंस को ले सकते हैं जिसमें हमें इन जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर है जो सेलेक्ट नहीं हुए ऑफिसर वो भी इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए एंड बिना चुने ही इसमें पार्टिसिपेट करें हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था सेकेंड क्वेश्चन What kind of election constitute a democratic election? मतलब कि किस तरह के elections को हम democratic election कहते हैं किस तरह के election को हम democratic election कहते हैं And what conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic and what conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic means ki hum election mein democratic kehne ke liye kin conditions ko fulfill karna padta hai ki matlab hum agar koi election kara rahe hain to hame किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि हम उसको कह पाएंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है जो इलेक्शन हो रहा है ये डेमोक्रेसी है हम कैसे कह पाएंगे देन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन हम किस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं एंड कौन सी कंडीशन ऐसी है इलेक्शन में जो फुलफिल हम करें तो हम डेमोक्रेटिक कहलाएं एंड थर्ड क्वेश्चन हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर
वो कौन से पीपल हैं जो रूलर्स को सेलेक्ट करते हैं और गेट इलेक्टेड ए रूलर, मीन्स कि वो कौन से पीपल हैं जो रूलर्स को सेलेक्ट भी करते हैं और वो खुद और इलेक्ट भी होते हैं एज रूलर, एज रूलर्स इलेक्ट भी होते हैं और रूलर्स को सेलेक्ट भी करते हैं, वो कौन से पीपल होते हैं? एंड शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या ये इंक्लूड करता है, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या हम इसमें इंक्लूड करते हैं एवरी सिटीजन को ऑन इक्वल बेसिस पे इंक्लूड करते हैं, क्या हम इसमें फाइनली नो, क्या हम इसमें मतलब एवरी सिटीजन को क्या हम इक्वली ट्रीट करते हैं या एवरी सिटीजन को इक्वली पार्टिसिपेट करने देते हैं? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी डिनाई करता है, क्या डेमोक्रेसी इस कुछ नागरिकों को मतलब डेमोक्रेसी क्या कुछ सिटीजन्स को क्या राइट नहीं देता, डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को क्या राइट नहीं देता है? Then finally, what kind of a form of government is democracy? Finally means कि what kind of form of government, मतलब कि अगर हम last question पे आए तो democracy what kind of form of, मतलब ऐसी कौन सी form of government हो जो कि जिसे हम democracy कह पाए, ऐसी कौन सी form of government हो जिसे कि हम democracy बोल पाए? Can elected rulers can elected rulers do whatever they want in a democracy? क्या elected rulers, क्या जो elected rulers हैं वो मतलब कि जो जिनको हम इलेक्ट करते हैं कि जो मन चाहे क्या वो डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, जो मन चाहे क्या वो डेमोक्रेसी में कर सकते हैं? और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट, और क्या इलेक्टेड रूलर्स अपनी मनमानी कर सकते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ उनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ उनके लिए लिमिट्स बनाती है? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट, क्या उनके लिए वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लिमिट बनाती है, लिमिट रखती है? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizen? मतलब ये necessary है democracy में कि हम democracy में to respect some rights of the citizen, हमें respect करना चाहिए उनके rights को, मतलब it is necessary democracy में ये बहुत important है कि हम respect करें उनके rights को, citizens के right को, क्या ये important है? Let us consider each of these questions. Let us consider each of these questions with the help of some example. हम एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल को पढ़ के उस क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढेंगे. Let us consider major decisions by elected leaders. जो major decisions हैं वो मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, वही मेजर डिसीजंस लेते हैं और ले रहे हैं. दैट इज इन पाकिस्तान, लेट्स रीड अ स्टोरी. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अक्टूबर 1999 में सैनिक मतलब मिलिट्री कूप को लेके गए, मतलब मिलिट्री कूप के वो एक जनरल परवेज थे, मतलब मिलिट्री कूप के क्या थे वो जनरल परवेज थे, वो मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे अक्टूबर 1999 में. ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने क्या किया, democratic ढंग मतलब जो democracy से जो government चुनी गई थी
जो डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया गया था, उन्होंने उसको क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उखाड़ फेंका। और उन्होंने कहा यहाँ कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी कंट्री। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मतलब मुख्य कार्यकारी हूँ, मुख्य वर्कर हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्कर हूँ यहाँ का ऑफ दी कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डिग्री। पहले उन्होंने देख, एक तो वो लीड कर रहे थे मिलिट्री कोप को अक्टूबर 1999 में, उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू किया और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। एंड उसके बाद से उन्होंने चीफ डिक्लेयर कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन। लेटर उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया टू प्रेसिडेंट, और वो क्या बन गए, अपने डेजिग्नेशन को चेंज कर गए प्रेसिडेंट। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। लेटर उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया और वो प्रेसिडेंट बन गए। और इन 2002 में एक मतलब रेफरेंडम इन द कंट्री, एक रेफरेंडम कंट्री में हुआ एंड दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। एक रेफरेंडम को साइन किया गया एंड जनमत संग्रह, यू कैन से रेफरेंडम को साइन किया गया, एक एग्रीमेंट को साइन किया गया और वो कंट्री को ग्रांट किया गया। रेफरेंडम को साइन किया करा के, रेफरेंडम को मतलब रेफरेंडम को साइन करा के उन्होंने क्या किया कि अपने अपने वर्क मतलब अपने को अपनी एक्सटेंशन ले लिया 5 years के लिए, एक्सटेंशन ले लिया 5 years के लिए, और अब वो मतलब और 5 years के लिए वो यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। एक्सटेंशन ले लिया उन्होंने 5 years के लिए। एंड पाकिस्तानी जो मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। देखिए फर्स्ट है पाकिस्तानी मीडिया, सेकंड जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे वो, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने क्या कहा, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैन प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। जो रेफरेंडम आपने लिया है पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने कहा कि जो रेफरेंडम है, जो रेफरेंडम इन्हें मिला है जिससे ये एक्सटेंशन 5 years के लिए हो गया है, वो बेस्ड, ये पूरा मैल प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉड से है, यहाँ पे ये पूरा मैल प्रैक्टिस है, ये एक धोखाधड़ी है और फ्रॉड, इन्होंने धोखाधड़ी भी की है और गड़बड़ी भी की है, फ्रॉड से ही इनको रेफरेंडम मिल गया, मीन्स कि 5 years का एक्सटेंशन इन्हें मिल गया, मीन्स 5 years का एक्सटेंशन इन्हें मिल गया। आफ्टर क्या हुआ, इन्हें 5 years का एक्सटेंशन मिल गया। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इन अगस्त 2002 में क्या हुआ कि उन्होंने इशू किया एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक इशू उन्होंने क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, दैट इज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, चेंज कर दिया, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसमें ऐड किया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज कर दिया। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आया, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग था जो प्रेसिडेंट थे वो डिसमिस कर देते थे नेशनल असेंबली को और प्रोविनेंस असेंबली को, वो कभी भी डिसमिस कर सकते हैं नेशनल असेंबली को और प्रोविनेंस असेंबली को, वो कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। एंड
उन्होंने एक चीज और कही, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट का, जो वर्क होता है सिविलियन कैबिनेट का, मतलब मंत्री परिषद का जितने भी वर्क होंगे वो कौन सुपरवाइज करेगा, कौन मॉनिटर करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसे कौन मॉनिटर करेगी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाई जो वो किसके, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके अंडर में आती है? मिलिट्री ऑफिसर्स के। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके अंडर में आती है? मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर में आती है। एंड क्योंकि जो परवेज मुशर्रफ थे वो मिलिट्री कूप के ही थे, एंड आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। मतलब इस इलेक्शन फॉर आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्शन हेल्ड हुए टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में, इस कानून के पास हो जाने के बाद इलेक्शन कराया गया, इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्ट किया गया, और रिप्रेजेंटेटिव को भी कुछ पावर दिए गए, बट फाइनल पावर किसके पास था? बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही फाइनल पावर था, और जनरल मुशर्रफ के पास ही फाइनल पावर था, और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही फाइनल पावर था। क्लियरली there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. Clearly, इससे मतलब General Musharraf, clearly there are बहुत सारे reason है कि why Pakistan हमें मतलब Pakistan को General Musharraf should not be called a democracy. कि हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं कह सकते हैं, और जनरल मुशर्रफ के रूल में, जनरल मुशर्रफ जब उस पर रूल कर रहे थे तो हम पाकिस्तान को कभी भी हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दी, इसमें से चलिए कुछ किसी पे फोकस करते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं, हम देखते हैं क्या रीज़न। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं उनको किसने इलेक्ट किया, क्या पीपल ने इलेक्ट किया, पाकिस्तानी पीपल ने क्या इलेक्ट किया है, पाकिस्तान के लोगों ने क्या उनको इलेक्ट किया है? नॉट क्वाइट, हम क्वाइटली नहीं कह सकते, क्यों? पीपल ने हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल ने तो इलेक्ट कर लिया था अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज में, उन्होंने उनको इलेक्ट कर दिया, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर, लेकिन जो इलेक्ट हुए थे वो एक्चुअल में रूलर नहीं थे, जो इलेक्ट हुए थे वो एक्चुअल में क्या नहीं थे, रूलर नहीं थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रियली मतलब लोगों ने उन्हें चुन दिया था कि वो हमारे रूलर्स हैं, बट वो एक्चुअल में क्या थे, रूलर्स नहीं थे, और दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर, ले वो जो पावर थी, जो डिसीजन लेना था वो कौन डिसीजन ले सकते थे, कौन लोग डिसीजन ले सकते थे, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफिसर्स डिसीजन ले सकते थे। रेस्टेड विद, वो डिसीजन किसके पास रहता था फाइनल डिसीजन? मिनिस्ट्री ऑफिसर और जनरल मुशर्रफ के पास ही वो डिसीजन रहते थे, आखिरी फैसला वही लोग लेते थे। This happens in many dictatorships and monarchies. ये कई जगह हुआ है, जहाँ पे भी मोनार्की और
तानाशाही का शासन होता है वहाँ पर यही चीज़ें होती हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप, जहाँ तानाशाही होती है, और मतलब तानाशाही मतलब कि मेरी बात माननी है मीन्स माननी है, और मोनार्की जहाँ पे होता है जहाँ राजा मीन्स जो आपके टीचर्स होते हैं उनको उनकी बात आपको माननी पड़ती है, दैट इज डिक्टेटरशिप, और मोनार्की मीन्स राजा जो राज्य करते हैं। एंड दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब कि हमारे पास क्या है फॉर्मली हमारे यहाँ इलेक्शन भी होता है, हमारे पास यू कैन से फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है गवर्नमेंट, लेकिन उस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं दी गई है, उस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं दी गई है, और मतलब जो रियल पावर है वो जो इलेक्टेड नहीं होते हैं उन्हीं के हाथ में रियल पावर है, जो इलेक्टेड नहीं है उन्हीं के हाथ में क्या है रियल पावर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ द USSR इन द कम्युनिस्ट, हमने प्रीवियस चैप्टर पुराने चैप्टर में कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ा है, मीन्स कि हमने पुराने चैप्टर में वहाँ पे कुछ कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ा था, USSR इन कम्युनिस्ट, ये भी याद है या आपके भी नहीं है एंड दैट इज फर्स्ट चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, एंड पोलैंड एंड दैट ऑफ US इन कंटेम्प्री इराक का भी नहीं है, यूज़ ऑफ कंटेम्प्री इराक एंड ये भी आपके नहीं है, एंड दैट इज हियर द रियल पावर मीन्स कि थोड़ा सा पार्ट नहीं है जो प्रीवियस चैप्टर के दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट है इन न्यू NCERT बुक में, एंड हियर द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर मीन्स कि जो रियल पावर है वो एक्सटर्नल पावर, जो रियल पावर होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, वो असली ताकत किसके हाथ में होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, वो उन लोगों के हाथ में नहीं होती है जो लोकली इलेक्टेड है, जो इलेक्टेड ही नहीं हुए उनके हाथ में वो पावर होती है। एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, और हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये पीपल रूल्स है, वी कांट से हम इसे कभी नहीं कह सकते कि ये पीपल रूल है। एंड दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें फर्स्ट फीचर देता है, ये हमें क्या दे रहा है फर्स्ट फीचर, क्योंकि हमें सिंपल डेफिनेशन को समझने के लिए फर्स्ट फीचर की ज़रूरत पड़ी, और हमारी सिंपल डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर क्या मिला, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है पावर मस्ट, इस डेमोक्रेसी में कुछ जो पावर थी वो सिर्फ रेस्ट ऑफ द पीपल के हाथ में थी, एंड नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब फर्स्ट फीचर हमारा क्या था कि जो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं उन्हीं के हाथ में वो पावर होती है।